हेलो होम ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू चिलर होम्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं सेक्टर 10 डीएमपी अपार्टमेंट आपके लिए लेकर 4+ सर्वेंट का। बड़ी ही प्राइम लोकेशन की ये सोसाइटी है। काम अभी इसके अंदर पूरा हुआ नहीं है, चल रहा है मेंटेनेंस वगैरह का, लेकिन लोग इसके अंदर आकर रह रहे हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। तो काफी सारी हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि डीएमपी का क्या साइज है और कैसी लोकेशन है, क्या कंडीशन है सोसाइटी की। तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये सोसाइटी का पार्क है। तो अभी बेसमेंट के अंदर इसके अंदर आपको रिजर्व कार पार्किंग मिलती है। तो अभी काम चला हुआ है सोसाइटी के अंदर वार लेवल का, और बड़ी बड़ी बालकोनियों वाला फ्लैट है ये। 5 इसके अंदर आपको बालकोनी मिल जाती हैं, और ये हमारा 4+ सर्वेंट का फ्लैट है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो बिल्कुल मेन एंट्री से। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे कॉरिडोर में। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है स्टेयरकेस मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 आपको लिफ्ट मिलती हैं, और एक फ्लोर के ऊपर आपके 4 फ्लैट हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट एंट्री दी गई है। आपके सामने आप देख सकते हैं कोई एंट्री नहीं है, बिल्कुल पास में। और ये आपकी अच्छी सी चौड़ी सी स्टेयर्स यहाँ पर दी गई हैं, टाइल्स पूरी लग चुकी हैं, और इस तरह की ये ग्रिल लगाई गई है सोसाइटी की तरफ से। तो ये हमारा फ्लैट की मेन एंट्री है। और एंट्री करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सर्वेंट रूम मिल जाता है अटैच वॉशरूम के साथ। तो टोटल इस फ्लैट के अंदर 5 वॉशरूम हैं। ये आपका वॉशरूम रहने वाला है सर्वेंट का। ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्री है। एंट्री करते ही आप देखेंगे ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर आपकी जो है सोफा सीटिंग हो जाएगी, और बिल्कुल किचन के सामने आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पर लग सकता है। हाँ, बीच में आप इस तरीके से अटैच करके चेयर्स को वहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये आपका पूरा यहाँ पर आपका एल शेप का सोफा बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, और ये जो हमारी साइड है ये वेस्ट साइड है, तो यहाँ पर आपको धूप मिलेगी। मतलब यही आपकी 2-3 घंटे के लिए आपको यहाँ से भी धूप अंदर आएगी आपके ड्राइंग रूम के अंदर भी। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर करा हमने, एंटर किया, यहाँ से एंटर करते ही हमें मिला ये बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग। और इसके बाद सामने हमारे ड्राइंग रूम से अटैच है बहुत ही बड़ी पार्क फेसिंग बालकोनी, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो ये देखिए फर्स्ट बेडरूम का साइज आपका ये रहने वाला है 10x12 के आसपास का। ये फर्स्ट बेडरूम है जो कि 4 BHK, बाकी 3 कमरे बड़े हैं, और बाकी ये वाला रूम आपको 10x12 का मिलेगा। इसके साथ जो आपका वॉशरूम रहेगा, ये कॉमन वॉशरूम का एक्सेस इस वॉशरूम के साथ मिलने वाला है। काम आपको कराना पड़ेगा फ्लैट के अंदर। ये आपकी अलमीरा का स्पेस है, तो कबर्ड ऐसा नहीं है कि बाहर आ जाएंगे कमरे के अंदर, क्योंकि इस दीवार की बिल्कुल वहीं पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी कबर्ड बन जाएगी। और ये आपका सरफेस पूरा आपका जो रूम साइज है ये 11x12 के आसपास का आपको मिल जाएगा। और ये है इसके साथ बालकोनी, अटैच बालकोनी, और बालकोनी के साथ है आपका ये पार्क। और सामने आपकी ये रोड है, बिल्कुल यहाँ पर सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 10 की मार्केट, और सेक्टर 10 की सारी ही सोसाइटियाँ यहाँ पर हैं। और बहुत ही प्राइम लोकेशन है, द्वारका का सेंटर सेक्टर बोला जाता है सेक्टर 10, और जो मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशनों में से आता है। तो मैंने आपको कॉमन वॉशरूम दिखा दिया है जिसका एक्सेस आपके रूम के साथ है। ये आपको किचन मिलती है इस साइज की, तो ये आपकी किचन रहेगी। किचन के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा इस विंडो से। काम आपको कराना पड़ेगा, और फ्रिज का स्पेस आपको अंदर ही मिल जाता है, तो आपका फ्रिज का स्पेस अंदर ही रहेगा, और ये आपका किचन रहेगा। इसके बाद ये बड़ी बालकोनी जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, तो ये आपके ड्राइंग रूम के साथ अटैच बालकोनी, पार्क फेसिंग बालकोनी, और यही बालकोनी घूम जाती है आपके बेडरूम के साथ। तो मतलब इस बालकोनी का उस बालकोनी के अंदर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस खराब नहीं किया गया है, इसको पूरा राउंड में लेने से ये पूरा स्पेस आपको अच्छे से मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारे 3 बेडरूम आते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है, या थर्ड बेडरूम, और ये आपका फोर्थ बेडरूम। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मास्टर बेडरूम में, चलते हैं। पहला बेडरूम आपको बिल्कुल वहां से हमने एंट्री किया, तो आपको मेन एंट्री पर वो वाला आपका फर्स्ट बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, किचन, बालकोनी। और अब हम हमारे बेडरूम में हैं, मास्टर बेडरूम, सेकंड बेडरूम। तो ये हमारे सेकंड बेडरूम का साइज रहने वाला है 15x17 के आसपास का आपका ये बेडरूम है। 15 फिट इसकी चौड़ाई है, और 17 फिट के आसपास इसकी लंबाई है, 16-17 अगर हम अलमीरा, मतलब यहाँ पर आपकी अलमीरा आ जाएगी। और ये आपको इसके साथ अटैच वॉशरूम मिलेगा।
आपकी बालकोनी रहने वाली है। तो ये आपकी सातवीं सोसाइटी है कॉस्मोक अपार्टमेंट। तो ये सातवीं उसी सोसाइटी का ये व्यू है पूरा। इस सोसाइटी में भी हमारे पास फ्लैट है 3 BHK का। तो वैसे हमारे पास द्वारका की सारी सोसाइटीज़ में जिनमें इन्वेंट्री अवेलेबल है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ये रेड रेड आप देख सकते हैं कैमरा से, तो बिल्कुल यहीं पर अभी सूरज डूब चुका है। तो यहाँ पर भी आपको धूप मिलेगी, जब शाम की आपको धूप मिलेगी, जब जो है शाम के 4-5 बजेंगे सर्दियों में, जब आपको हल्की धूप मिलेगी यहाँ पर। और बाकी गर्मियों में आपको 4 से 6 बजे तक धूप यहाँ पर मिलेगी उस वाली बालकोनी में। इस वाली बालकोनी में भी इसी तरीके से मिलेगी, शाम की धूप आपको मिलेगी इन बालकोनियों में। और उस पार्क फेसिंग में मिलेगी आपको दोपहर की धूप, साउथ वेस्ट बालकोनी है वो। अब ये देखिए, ये है हमारा थर्ड बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज जो है वो 14x14 का है, प्रॉपर स्क्वायर बनता है 14x14 का। और ये आपकी यहाँ पर अलमीरा है, इसके साथ अटैच आपका ये वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं ये आपका वॉशरूम रहने वाला है। और ये बालकोनी मिलेगी और साथ में आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपकी मेट्रो है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये आपकी जो है बिल्कुल ये आपके सामने वाली बालकोनी है और सामने आपका मेट्रो स्टेशन है, आपकी मेट्रो है और साथ में आपके बड़े स्कूल हैं। आपको मेट्रो स्टेशन यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगा। और सामने क्योंकि अगली सामने वाली सोसाइटी की पार्किंग का एरिया है, तो यहाँ से आपको जो व्यू है वो पूरा आपको खुला खुला यहाँ पर व्यू मिलने वाला है। और बिल्कुल साथ में सेंट्रल एकेडमी और जो है आपका ये गोल्ड पब्लिक स्कूल और भी बहुत सारे स्कूल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सेक्टर 10 में ये जो है आपका DPS स्कूल और काफ़ी सारे स्कूल आपके, मेरे ख्याल से सेक्टर 10 में आपके 4-5 स्कूल हैं जो कि यहाँ से बिल्कुल पास में हैं। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो लोग अक्सर सेक्टर 10 बोलते हैं, सेक्टर 10, सेक्टर 12 और सेक्टर 4, सबसे ज़्यादा स्कूल इन्हीं सेक्टर्स में हैं। और ये है हमारा फोर्थ बेडरूम। यहाँ पर भी आपको अलमीरा का स्पेस अंदर ही मिला है, अटैच आपको बालकोनी मिली है, अटैच आपको वॉशरूम मिला है और ये वाला रूम भी 14x14 का है। तो आपको यहाँ पर 2 रूम 14x14 के मिलते हैं। मास्टर बेडरूम आपको लगभग 15x17 के आसपास का मिलता है। और एक रूम जो हमने शुरू में एंट्री पर दिखाया वो आपका 11x12 का रूम है। और इसके साथ अटैच आपकी ये वाली बालकोनी जो कि आपकी इस बड़ी बालकोनी के साथ मिल जाती है। ये हमारा बिल्कुल पार्क फेसिंग फ्लैट है, लाविश ग्रीन व्यू है, सामने भी आपके पेड़ हैं और मतलब आपको जो है सुंदर सा व्यू मिलेगा और नीचे आपका जो है पार्क रहेगा। शोर शराबे से दूर अच्छी सोसाइटी, नई सोसाइटी। और लोग अभी यहाँ पर रहना शुरू कर दिया है, काफ़ी सारी फैमिली यहाँ पर आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 15-16 फैमिली यहाँ पर अभी रह रही हैं और कुछ के घरों में काम चल रहा है। तो हमारे इस फ्लैट की डिमांड है 3.25 करोड़ रुपए। प्राइस आपका नेगोशिएबल है। 4+ सर्वेंट का फ्लैट है और बड़ी बड़ी बालकनियों वाला पार्क फेसिंग फ्लैट है। तो बिल्कुल हमारे नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते टाइम नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको घर बैठे मिलती रहे सारी ही द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे की इन्वेंट्री पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।